हेलो होम ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन होम्स यूट्यूब चैनल। हमारे सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो आज हम आ गई हैं सेक्टर 5 के झेलम अपार्टमेंट में। बहुत ही वेल मेंटेन सोसाइटी है, बिल्कुल पास में आपको सेक्टर 5 की मार्केट मिल जाती है। मेन रोड की सोसाइटी है, बिल्कुल अपोजिट में आपको सेक्टर 4 मिलता है। सोसाइटी के अंदर आपको कवर्ड कार पार्किंग मिलती है, बेसमेंट पार्किंग मिलती है, इसके साथ साथ आपको सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े पार्क मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हम अभी फ्लैट के अंदर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको पीछे यहाँ पर DDA के 2 बड़े बड़े पार्क मिल जाते हैं। तो जल्दी से आपको ये बहुत ही बढ़िया व्यू, पूरे दिन की धूप वाला अच्छा सा फ्लैट दिखाते हैं, जिसकी 2 एंट्री आपको मिलती हैं, सर्वेंट रूम के साथ मिलता है। तो दिखाते हैं आपको ये पूरा का पूरा फ्लैट। तो ये रहने वाला है आपका कॉरिडोर। कॉरिडोर के अंदर आपको दोनों तरफ स्टेयरकेस मिल जाते हैं, 2 आपको लिफ्ट मिल जाती है। प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेटेड आपका कॉरिडोर रहने वाला है, बड़ी आपको हवा मिलती है और बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं होती है कॉरिडोर के अंदर। बिल्कुल सामने इधर ये DDA के 2 पार्क हैं बड़े बड़े, ये आपके फ्लैट की मेन एंट्री है। 2 एंट्री हैं, ये आपकी सर्वेंट रूम की एंट्री है और ये आपके फ्लैट की मेन एंट्री है। जैसे ही हम फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ से भी हमें जो है वेंटिलेशन मिल जाता है, बिल्कुल आपके जो है पैसेज के अंदर अंदर आते ही। और यहाँ पर आपको जो है आपके सर्वेंट रूम का आप साइज देख सकते हैं, अच्छा खासा बड़े साइज का आपका यहाँ पर ये सर्वेंट रूम रहने वाला है। लगभग जो है 8x8.5 के आसपास का साइज है। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर अच्छा बनाया गया है और यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉशरूम और यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो। सोसाइटी के अंदर 350-400 स्क्वेयर फीट का FAR पास हो चुका है, तो यहाँ पर जो है किसी के साथ एक बालकनी बढ़ रही है, एक आपको ड्राइंग रूम के साथ में स्टोर बनकर मिलेगा। तो जब ये काम शुरू होगा तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बाकी वैसे नक्शे के अंदर आ चुका है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको मिल जाता है बड़ा ही सुंदर बड़े साइज का ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ड्रॉइंग रूम है, सामने आपका डाइनिंग एरिया है, प्रॉपर एल शेप का ड्रॉइंग डाइनिंग है। काम फ्लैट के अंदर वैसे हुआ है, बेसिक काम में अच्छा काम हम इसे बोलेंगे, क्योंकि फोर सीलिंग वगैरह आप ऊपर देख सकते हैं कि हो रखी है। बाकी अगर आप बिल्कुल नया काम करवाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा मोड़ा काम ही करवाना पड़ेगा, हल्का फुल्का किचन का आपको काम करवाना पड़ेगा। और फोर सीलिंग अगर डाइनिंग एरिया में भी चाह रहे हैं, LED पैनल, थोड़े से वॉल पेपर वगैरह अगर लगाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। UPVC विंडोज यहाँ पर अगर आप इनसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप वो वाली करवा सकते हैं। बाकी वैसे अगर चाहें तो शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा किचन वर्किंग है, सारे खिड़की दरवाजे आपके वर्किंग हैं। तो यहाँ पर आपके ड्राइंग रूम से जो आपको व्यू मिलता है, ये मिलता है आपको पार्क का। हमने वीडियो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट की थी, ये आपकी सोसाइटी का पार्क है। सोसाइटी के जो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि पूरा जो है बड़ा ही मेंटेन यहाँ पर जो है पार्क बनाया गया है। बिल्कुल फ्रंट में भी आपको पार्क मिलता है, बेसमेंट आपको कवर कार पार्किंग मिलती है सोसाइटी के अंदर, एक पार्किंग आपको रिजर्व मिलती है, नंबर डली हुई, दूसरी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। 2 बड़े बड़े पीछे ये पार्क है, बैक साइड में सर्विस लेन है जहाँ पर आपको विजिटर पार्किंग भर भर के मिल जाती है। और ये जो आपकी ये साइड है, ये साउथ वेस्ट की साइड आपकी साउथ साइड है, तो साउथ साइड है होने की वजह से आपको जो है आपके ड्राइंग रूम के अंदर तक आपको 12-12.5 के आसपास पे यहाँ पर धूप मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका किचन। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आपको किचन का साइज मिलता है यहाँ पर। तो यू शेप का आपका यहाँ पर ये प्रॉपर किचन रहने वाली है, ओपन किचन है आप देख सकते हैं, और ये मॉड्यूलर किचन ही है, जाली वाली किचन यहाँ पर नहीं है ये। और इस तरफ आप अपना फ्रिज का स्पेस आपको मिल जाता है, पीछे आपको डिश वॉश एरिया मिल जाता है, और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको बड़ी सी विंडो मिल जाती है। चिमनी जो है वो यहाँ पर लगा कर दी जा रही है। हाँ, है ये थोड़े पुराने स्टाइल की, तो काम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये स्पेस मिल जाता है, आपको जो है वॉश बेसिन लगा के मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि आपको ड्रॉइंग डाइनिंग, प्रॉपर एल शेप का ड्रॉइंग डाइनिंग मिलता है। और फ्लैट के अंदर आपको जो है जितनी धूप हमें चाहिए होती है, जो सफिशियंट धूप है, उतनी धूप आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो इसकी 2 बालकनियां हैं वो साउथ फेसिंग की हैं और 2 बालकनी इसकी जो है नॉर्थ की हैं, जो कि आपकी ठंडी बालकनियां रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये डाइनिंग एरिया आप प्लान कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी सोफा सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको सर्वेंट रूम आपका दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पर है आपका फर्स्ट बेडरूम, आपका सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, और ये है आपका कॉमन वॉशरूम बिल्कुल सामने, जिसका एक्सेस आपके थर्ड बेडरूम से है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको आपका फर्स्ट बेडरूम। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। साइज आपके फर्स्ट बेडरूम का अगर मैं साइज की बात करूँ तो लगभग जो है ये 14 बाई
14 के आसपास का आपको यहाँ पर ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, अलमीरा आपको मिल जाती है, अटैच बालकोनी मिल जाती है और यहाँ पर आ जाता है आपका वॉशरूम। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको अच्छे खासे साइज का आपका यहाँ पर वॉशरूम रहने वाला है। वेंटिलेशन पीछे विंडो से मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो है इस तरह से आपका ये वॉशरूम मिल जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बालकोनी, और आपकी यही वाली जो बालकोनी है ये आपकी बड़ी बालकोनी के साथ आगे जाकर मर्ज हो जाती है। तो ये देखिए ये आपकी यहाँ पर बालकोनी रहने वाली है, और यही आपकी बालकोनी जो है आपकी बड़ी बालकोनी से मर्ज हो जाती है, और ये आपकी सेकंड बेडरूम से आपकी बड़ी बालकोनी है। तो ये दोनों की दोनों बालकोनी आपकी कनेक्टेड बालकोनी है, रनिंग बालकोनी है, जहाँ से आपका जो व्यू है वो ये बैक साइड में जो ये सोसाइटी के अंदर एक ग्रीन पैच दिया गया है इसका व्यू है। तो ये जो है आपका यहाँ से व्यू रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये वाली आपकी बालकोनी है ये आपकी नॉर्थ फेसिंग बालकोनी है, तो इसीलिए यहाँ पर धूप जो है आपको वो कम मिलती है। तो यहीं से ही अब जो है मैं आपके सेकंड बेडरूम आपको दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर सेकंड बेडरूम रहने वाला है। सेकंड बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ तो 13 बाई 12.5-13 के आसपास को आपको ये वाला आपका बेडरूम मिल जाता है। अभी हम यहाँ पर बालकोनी से आ गए हैं क्योंकि दोनों बालकोनी आपकी कनेक्टेड थी। वैसे अगर मैं बाहर से आती तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये है आपका सेकंड बेडरूम जिसके अंदर मैं बालकोनी से आई थी। तो ये देखिए ये आपका सेकंड बेडरूम है। यहाँ पर आपको 3 कबर्ड की बड़ी अलमीरा मिल जाती है, और आपको यहाँ पर 2 बालकोनी मिल जाती है, एक आपकी बड़ी वाली बालकोनी है, दूसरी आपकी ये वाली बालकोनी है। अब अगर आप चाहें तो इस वाली बालकोनी को थोड़ा अंदर ले सकते हैं, और अगर अंदर आप ले लेते हैं तो इसे अंदर लेने से आपको जो है यहाँ पर आप जो है पूरा अपना स्टडी बना सकते हैं, या फिर आप जो है ड्रेसिंग एरिया प्लान कर सकते हैं, अलमीरा प्लान कर सकते हैं। तो आपको जो है वैसे तो अलमीरा यहाँ पर मिलती ही है, लेकिन आपके पास प्रोविजन है अगर आप इस वाली बालकोनी को भी पूरा अंदर तक पीछे तक मर्ज करना चाहें, क्योंकि ये भी आपकी बैक साइड की बालकोनी है। तो बिल्कुल आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर आपका जैसा प्लान हो बिल्कुल आप वैसे कर सकते हैं, अगर आपको कमरे का साइज थोड़ा सा बढ़ाना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, तो आप देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम का साइज जो है वो काफी अच्छा है। तो आपको जो आपका पहला वॉशरूम मिला वो वहां पर मिला, एक वॉशरूम आपको सर्वेंट रूम के अंदर मिला, दूसरा वॉशरूम आपको आपके मास्टर बेडरूम के साथ मिला, और तीसरा वॉशरूम आपका ये है जो कि आपका कॉमन वॉशरूम है, और ये रहने वाला है आपका थर्ड बेडरूम। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड बेडरूम के अंदर भी आपको यहाँ पर 2 बालकनियां मिल जाती हैं, एक आपकी बालकोनी यहाँ पर रहने वाली है, दूसरी बालकोनी आपकी यहाँ पर रहने वाली है जो कि आपकी साउथ फेसिंग बालकोनी है, धूप यहाँ पर आपको पूरी मिलती है। तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है कि आप इस वाली बालकनी को भी पीछे तक ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आप इस रूम को भी, और इस बालकनी को अंदर लेने से फिर इस रूम का साइज ये है कि पूरा जो है ये पीछे वहां तक बढ़ेगा। अगर मैं इसकी इस तरह से लंबाई की बात करूँ तो ये बिल्कुल जो है 5.5 फुट के आसपास की इसकी इस तरह से लंबाई है, तो मतलब आपका कमरा जो है वो 3 फुट और इस तरह से आपका जो है ये 6 फुट के आसपास खिंचला जाएगा, तो कमरा जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जो है स्टडी, ड्रेसिंग एरिया, पूजा रूम, मंदिर जो चाहे वो प्लान कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको जो है वॉशरूम का एक्सेस आपको आपके इस बेडरूम से यहाँ से मिल जाता है आपके कॉमन वॉशरूम के अंदर। तो ये आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये मिल जाती है बालकोनी। तो आपको जो अपना वॉशिंग एरिया है वो बिल्कुल इसी बालकोनी के अंदर बनाना चाहिए। हाँ, अगर आप जो है उधर वाली बालकोनी में बनाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल वहां पर भी बना सकते हैं। फिर जैसे आप अगर अपने घर के अंदर थोड़ा सा धूप, अगर बुजुर्ग हैं घर में थोड़ी देर बैठना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको इसी बालकोनी के अंदर धूप मिलेगी पूरी, क्योंकि ये जो है पूरा ईस्ट और साउथ का पोर्शन है, तो यहाँ पर आपको पूरे दिन की धूप आपको मिलेगी, जो कि आपकी वाली जो बालकोनी है ये बिल्कुल आपकी पार्क फेसिंग रहने वाली है। तो बिल्कुल ये आपकी एक और बालकोनी जो ईस्ट फेसिंग, साथ में साउथ फेसिंग, साथ में आपकी पार्क फेसिंग आपकी रहने वाली है। तो 3 BHK प्लस सर्वेंट का आपका ये फ्लैट आज हमने आपको दिखाया, सेक्टर 5 के झेलम अपार्टमेंट में। इस फ्लैट की डिमांड है 2.85 करोड़ रुपए, प्राइस आपका नेगोशिएबल रहने वाला है। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप बिल्कुल इस फ्लैट के लिए क्वेरी कर सकते हैं, चिलर होम्स की पूरी टीम आपके साथ है आपको हैसल फ्री वे से घर देने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी है हमें कॉल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।